एक तहखाने च उत्तर कारवाई कर रहे मुलाजम अते फिर सारा काम निपटाउन तो बाद पौड़ियां चढ़ बाहर आ रहे व्यक्ति। इस तहखाने दे अंदर दा सीन इन्ना खौफनाक है कि असी सारा वीडियो थानू दिखा भी नहीं सकांगे। बेहद बुरे हालात च यह उही तहखाना है जिथे एक भयानक घटना वापरी है ते उत्तों इन्हां कुत्तियां ने जो कुछ कीता वो होर भी खौफनाक है। मामला है अमृतसर दा, जिथे गुरु नानक हस्पताल दे मैडिकल सुपरिटेंडेंट दे पुराने दफ्तर हेठां एक तहखाना बनया होया। कलर्कां ने इत्थे रिकॉर्ड तां रख्या होया पर कदे वेख्या तक नहीं। कुछ पुराना रिकॉर्ड लैण लई हस्पताल तों सेवा मुक्त सुखदेव सिंह नां दा एक मुलाजम जद इस तहखाने दे हेठां जांदा तां बदबू नाल भरिया खौफनाक मंजर देख उस दी रूह कंब जांदी है। नहीं अजय वो डेड बॉडी के लागो लागे बाद काफ़ी कूड़ा करकट पे एक शनाख्ती कार्ड मिले तो वो तो अं शनाख्त वास्ते जा रहे हैं। वो वारसा को डेड बॉडी जी मोर्चे से रखा दी है ये 72 घंटे वास्ते पछाण वास्ते, उस तो बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जोड़ा लागो शनाख्ती कार्ड मिलया वो है बोधराज सन हंसराज मकान नंबर 4088 छोटा हरीपुरा। यह भी पक्का नहीं कह सकते भी यदा ही है, लागो काफ़ी गंद मंद पिया मिलया। इस तो तस्दीक करके वेखते हैं एमरजेंसी विभाग के बेसमेंट के नहीं ये जरा आफ्टर पोस्टमार्टम बाद पता लगे डॉक्टर क्लीयर करेंगे भी किन्नी क्या पुरानी डेड बॉडी पई है। हाँ जी हाँ जी जी खाबी लत जी बिल्कुल खाधी हुई है तो पेशाब वाली जगह भी खाधी हुई। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ 72 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 174 ਸੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੋਊ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੋਧਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਹੰਸਰਾਜ ਵਾਸੀ ਹਰੀਪੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੋਧਰਾਜ दिमागी तौर पर परेशान सी ते शराब पीन दा आदि सी, जो कि पिछले 5-7 दिनों तो लापता सी। मृतक दे घर च बुजुर्ग माँ ते भैण भरा भी दसे जा रहे ने। फिलहाल पुलिस ने 174 की कार्रवाई करते हुए लाश का पोस्टमार्टम करवा वारसा के हवाले कर दिता है। हकीकत टीवी पंजाबी लई अमृतसर तो हरजीत सिंह गरेवाल की रिपोर्ट।